ये शिवाजी पार्क के सामने विमला मार्केट नाम से लक्ष्मी मार्केट है, जिसके अंदर की एसी रिपेयर और सोडा वाटर बनाने का एक गोदाम था, जिसके अंदर आग लग गई थी 7:45 बजे और इसमें सिलेंडर फट रहे थे। ये शिवाजी पार्क के सामने विमला मार्केट नाम से लक्ष्मी मार्केट है, जिसके अंदर की एसी रिपेयर और सोडा वाटर बनाने का एक गोदाम था, जिसके अंदर आग लग गई थी 7:45 बजे और इसमें सिलेंडर फट रहे थे। समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। पास में एक जैन परिवार भी निवास करता है, जिसको प्रशासन ने समय लेते हुए निकाल दिया और अभी भी एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, जो कि कम से कम एक दर्जन से ऊपर फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ चुकी है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है मुस्तैदी से। कौन सी जगह है ये? शिवाजी पार्क के सामने है, विमला मार्केट के पास में, लक्ष्मी मार्केट के नाम से। किस चीज़ की दुकान है? ये एसी रिपेयर का गोदाम है, जिसमें एसी रिपेयर होते थे, सोडा वाटर बनाए जाते थे। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह कटारे। आज सुबह मार्केट से टेलीफोन पे जानकारी मिली कि लक्ष्मी मार्केट के अंदर आग लग गई है। ये विमला मार्केट को ही है, वो लक्ष्मी मार्केट है। अच्छा, तो लक्ष्मी मार्केट के अंदर आग लगी है और आग लगने का कारण यहाँ पे पड़े हुए सिलेंडर हैं। जो ये सिलेंडर विमला मार्केट की छत पे पड़े हुए हैं, ये सोडा वोडा बनाने के काम आते हैं, वो कई स्पार्किंग की वजह से किसी एक को ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। इस मार्केट में कितने दुकानें करीब और किसने दुकानें? लक्ष्मी मार्केट के अंदर तकरीबन 10 से 12 दुकानें हैं, दवाई वालों की और एक होजरी की दुकान है, चश्मे की दुकान है। तो ये जो पूरा जो भी ये सिलेंडर वगैरह पड़े हैं ऊपर गोडाउन में, होजरी का सामान भी पड़ा है, कपड़े भी पड़े हैं, हो सकता है कि इन कपड़ों में आग लगने की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मतलब बार बार धमाके हो रहे जा रहे हैं, धमाके होते जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर और भी सिलेंडर हैं भाई। काफ़ी सिलेंडर तो आप देख रहे हो बाहर पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी अंदर सिलेंडर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर में धमाके होते जा रहे हैं। और आप शुक्र ये करो, ये हादसा सुबह सुबह को हुआ है, अगर दोपहर को 1-2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ होता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जान हानी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे लोग अंदर बैठे रहते हैं, स्टाफ काम करता है, तो संभावना थी कि बहुत बड़ा हादसा होता। भगवान ने इसमें भी हमारी लाज रखी है कि चलो सुबह सुबह हुआ, जिसको कंट्रोल कर लिया गया। कितनी गाड़ी आ चुकी है अभी तक दमकल की? जो है मेरे हिसाब से 13-14 गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी आ चुकी है। अभी वो पीछे से भी अपने KEM की जाए दीवार वीवार तोड़ के वहाँ से भी पीछे से पानी दे रहे हैं, ताकि ये आग बुझाई जा सके। प्रशासन का तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, बाकी क्लर्क ड्राइवर थाने वाले हैं जो उनके अधीन ही है ये पूरा इलाका, और फायर ब्रिगेड वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे थाना अधिकारी है। बाकी प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कोई आया नहीं। कौन मालिक है इसका, सिलेंडर वाले जी? कौन है मालिक दुकान का भाई? इधर ये मार्केट जो है, तो मार्केट तो इनका है, अपने पूनम मोजरी वालों का मार्केट, इन्होंने ये मार्केट बनाया हुआ है। दुकान किसकी, सिलेंडर वाले की? सिलेंडर अब किसकी दुकान, किसने सिलेंडर रखे हैं, क्या है, वही जांच का विषय है कि सिलेंडर किसने रखे हैं और क्यों रखे हैं। मार्केट तो इन्होंने बनाया है, साधवानी जी ने, जिन्होंने इस मार्केट को बेचा है। क्या लगता है करोड़ों का नुकसान हो गया? देखो वो तो अभी अपन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, जब तक अंदर अपन जाके नहीं देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है,
पर प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि नुकसान काफ़ी मात्रा में हुआ होगा। क्या लगता है करोड़ों में हुआ क्या? संभावना है, क्योंकि हुजरी वालों का सामान भी बहुत पड़ा है। अब दवाई वालों का तो अभी तक ऐसा पता ही नहीं, जब ये अंदर जाने देंगे हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही ये चीज़ सामने आएगी। श्याम नागरानी, संभागीय अध्यक्ष, अजमेर डिवीज़न के मिनिस्टर सिंह। मुझे सुबह जानकारी मिली थी कि यहाँ विमला मार्केट में इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण से आगजनी हुई है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल मौके पर पहुँची। अभी भी आग पर हम काबू नहीं पा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर डेप्थ जो है शोरूम की वो अंदर गहराई पे है और ऊपर की बिल्डिंग में आग पहुँच गई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग को रोक करके जितना नुकसान हुआ है वहीं तक उसको रोका जाए, आगे और नुकसान नहीं हो। तो ये सारे फायर ब्रिगेड और नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। धमाके भी सुनाई दे रहे हैं। वो अंदर गैस के सिलेंडर्स होंगे, एसी होगा, वो एसी की वजह से धमाके हो रहे हैं, जिसके कारण से क्योंकि अंदर कोई आदमी जा नहीं पा रहा ना, उस वजह से वो जो भी चीज़ वहाँ रखी हुई है उसमें ब्लास्ट होकर के वो धमाके के रूप में बाहर आ रहा है। मैम अब तक कितनी गाड़ी आ चुकी है? जी सर, आप मौके पर पहुंचे सर, किस तरह की स्थिति है? स्थिति अभी तक तो आग लपटें उठ रही हैं और बिल्डिंग पूरी कंप्लीट एक अंदर से है इसका, अभी क्योंकि अंदर घुस पाना संभव नहीं हो पा रहा, धुआं बहुत ज़्यादा है और क्योंकि संभवतः आग रात की लगी हुई है, अंदर कपड़े की दुकानें हैं और गैस रिपेयर का भी जो है, एसी रिपेयर की जो दुकानें होती हैं वो उसमें हो सकता है, उनके जो रीफिलिंग वाले सिलेंडर भी अंदर हों तो वो आग में और ज़्यादा नुकसान उनसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आसपास के एरिया को क्लियर करवा दिया गया है। फायर टेंडर्स आ रही हैं, पानी और जो है फायर फाइटर्स और सिविल डिफेंस वाले लगे हुए हैं, SDRF और NDRF की भी टुकड़ी को बुलाया गया है जो फायर फाइटिंग में एक्सपर्ट है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द काबू किया जा सके। वो देखिए अभी वो बुझने के बाद ही पता लग पाएगी, और फॉरेंसिक को इस्तेमाल करेंगे और उससे पता लगेगा अभी किस वजह से जो है आग लगी है, क्या कारण रहा है और उसके आगे क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस पर भी आगे चर्चा की जाएगी। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? देखिए फायर फाइटर से पूछिए, वो मैंने गिनती नहीं की।